बदला, लेगा बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है, एनिमे का गोड में। आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ में। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में। नानी याद दिला दूंगा मैं सबका लगता बाप में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, थोड़ा वेट कराने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि ड्रिप गोकू के बाद इसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने का। तो मेरे सभी भाई लोगों, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा मिरर्स गोकू को झूठ बोलकर अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन गोकू को धीरे धीरे मिरर्स पर शक होने लगता है। और फिर हम देखते हैं वजीटा विश और मिरर्स की बातें सुनकर पूरा मामला समझ जाता है और गोकू की तलाश और बेलमोड की लाश के लिए निकल पड़ता है। और हमारा बेलमोड यहाँ जानू के पैलेस में मजे से घूम रहा होता है। और फिर हम देखते हैं गोकू को मिरर्स की सच्चाई पता लग जाती है और वो मिरर्स को मार देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिंस टाइम रिवर्स करके मिरर्स को बचा लेता है और गोकू से कहता है, चलो तुम्हें एक चैन भरी नींद सुला दिया जाए। अब आगे ग्रैंड प्रिंस गोकू के पेट पर एक जोरदार किक कर देता है, जिससे गोकू को काफी पेन होने लगता है। फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है, तुम बेवकूफ सेन, हमेशा अपनी औकात से बाहर आने की सोचते हो। तुम मेरे आगे कीड़े मकोड़े के समान हो। मैं जब चाहूं तुम्हें मसल कर रख सकता हूं, तो अब भलाई इसी में है। अपने घुटने टेको और कहो मैंने जो भी किया वो गलत किया, और अब जल्दी से अपने घुटने टेको। इस पर गोकू कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी गोकू अपना पावर अप करता है और MUI 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड प्रिंस पर एक कामेहामेहा चार्ज करके मार देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिंस पर उस अटैक का कोई असर नहीं होता। फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है, तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। क्यों बेवजह ही अपनी बची कुची एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अब गोकू एक ड्रैगन प्रिंस चार्ज करने लगता है और ग्रैंड प्रिंस की ओर बढ़ता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिंस सोचने लगता है, ये कुछ दमदार लगता है, इसे तो रोकना पड़ेगा। और अब गोकू ड्रैगन फिश ग्रैंड प्रिंस पर मार देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिंस तभी एक सुरक्षा घेरा बनाकर गोकू के अटैक को रोक लेता है। अब ग्रैंड प्रिंस गोकू को कई सारे पंजेस मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर खिसक जाता है। तभी ग्रैंड प्रिंस एनर्जी बॉल चार्ज करता है और गोकू पर मार देता है, और गोकू उस अटैक को नहीं रोक पाता और वो अटैक गोकू को लग जाता है, जिससे गोकू को काफी दर्द होने लगता है। अब ग्रैंड प्रिंस कहता है, चलो देखते हैं कब तक मेरे अटैक को सहन कर सकते हो गोकू। और हाँ, एक जरूरी बात जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि तुम्हारे अर्थ को मेरे ही कहने पर ही डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि तुम जानुसामा के बहुत करीब आ रहे थे और तुम जरूर कोई बेवकूफी करते, पर मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। और गोकू अभी भी ग्रैंड प्रिंस के वार को झेल रहा होता है और ग्रैंड प्रिंस की बातें सुनकर गोकू को काफी गुस्सा आने लगता है और कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ग्रैंड प्रिंस। और अब गोकू अपना पावर अप करने लगता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिंस कहता है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। और अब गोकू के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है और तभी हमें दिखाई देता है ओमनी गॉड गोकू। और गोकू के इस अवतार को देखकर ग्रैंड प्रिंस पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये इसके शरीर पर निशान, ये तो ओमनी लेवल की पहचान है, ये यहाँ तक कैसे पहुंच सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और अब गोकू कहता है, तो इस सब के पीछे तुम ही थे ग्रैंड प्रिंस, और क्या कह रहे थे तुम, मेरा स्तर काफी नीचे है, तो अब मिलो मेरे इस रूप से ओमनी गॉड गोकू से।
और अब मैं तुम्हें मार कर उन सभी को भी खत्म कर दूंगा जो जो तुम्हारे साथ थे। और अब गोकू एक कामयामेहा चार्ज करता है और ग्रैंड फिश पर मार देता है और वो सीधा ग्रैंड फिश पर लग जाता है, जिससे ग्रैंड फिश काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब ग्रैंड फिश खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी ग्रैंड फिश गोकू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन गोकू से इजीली रोक लेता है और ग्रैंड फिश को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे ग्रैंड फिश काफी डैमेज हो जाता है। और अब ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है, ये इस वक्त ओमनी लेवल पर है और काफी पावरफुल भी है। मुझे नहीं पता था इसे काबू करना इतना मुश्किल हो जाएगा। मीरस सही कह रहा था, लेकिन अब मुझे इसे अपने जाल में फंसाना ही होगा। और तभी गोकू एक पावरफुल फिश चार्ज करने लगता है और वो सीधा ग्रैंड प्रिस्ट को एक ओमनी लेवल फिश मार देता है और उस फिश से ग्रैंड प्रिस्ट अब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अरे नहीं, इसकी स्पीड तो काफी तेज है, इसने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। और तभी वहां जैनो के गार्ड्स आ जाते हैं और वो देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा होता है। फिर सभी गार्ड्स कहते हैं, हमें इसे रोकना ही होगा वरना ये ग्रैंड मिनिस्टर को मार देगा। अब सभी गार्ड्स गोकू पर हकाई बोल मार देते हैं, जिससे गोकू पीछे की ओर खिसक जाता है। और अब गोकू गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम भी मेरे रास्ते का कांटा बनना चाहते हो? गार्ड्स पीछे हट जाओ वरना इस ग्रैंड पृष्ठ के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। गार्ड्स कहते हैं, ये तुम्हें क्या हो गया है गोकू, ग्रैंड मिनिस्टर से क्यों लड़ रहे हो? लेकिन गोकू गार्ड्स को इग्नोर करके ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बढ़ता है और गार्ड्स गोकू को एक बार फिर दूर धकेल देते हैं। फिर गोकू कहता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। और अब गोकू सभी गार्ड्स पर अटैक कर देता है और वो काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। और अब ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर कहता है, चलो इन गार्ड्स ने मेरा काम आसान कर दिया, मुझे अपनी फुल पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी और अब वक्त आ गया है इस गोकू को कैद करने का। और अब ग्रैंड प्रिस्ट अपने मंत्रों से एक पावरफुल बंधन बनाने लगता है और तभी हम देखते हैं चारों गार्ड्स गोकू पर एक साथ अटैक कर रहे होते हैं और गोकू पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी गोकू ओमनी गॉड 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं, अरे इसकी पावर तो और बढ़ गई। और अब गोकू चारों गार्ड्स पर अकेला भारी पड़ जाता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने मंत्र गोकू पर यूज करता है, गोकू मेरी कैद में हो जाएगा तू। और अचानक गोकू की बॉडी फ्रीज हो जाती है। गार्ड्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये मेरी बॉडी को क्या हो गया है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? जरूर ये उस ग्रैंड प्रिस्ट ने किया होगा। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को एक पावरफुल पंच मारकर बेहोश कर देता है। तभी एक गार्ड कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर ये क्या चल रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप लोग ग्रैंड जेनो के पास पहुंचिए, मैं इसे ठिकाने लगाकर आऊंगा और फिर मैं पूरी बात बताऊंगा। गार्ड्स कहते हैं, ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, हम चलते हैं। और फिर गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को अपने साथ ले जाता है और तभी वेजिटा वहां पहुंच जाता है और वो देख लेता है ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को ले जा रहा होता है। और फिर वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को रोकने जाता है, लेकिन तभी वेजिटा को एक एनर्जी बॉल पीछे से आकर लग जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को लेकर काफी दूर निकल जाता है और वेजिटा को अब ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई नहीं देता। वेजिटा गुस्से में कहता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की? तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे किसने वेजिटा को गोकू को बचाने से रोक दिया। और अब जाने से पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।